हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। दिल्ली मुझे जाना पड़ रहा है किसी काम से। इवन मुझे ना आज इतना बड़ा काम है कि मुझे इतना ज़्यादा बोझा ढोना पड़ेगा, वो सब दिखाती हूँ। और ट्रेन में विंडो सीट पे बैठ के इतनी प्यारी हवा लग रही थी ना। और इसके बाद ना मैं आपको बाहर का ये जो व्यू है ये दिखाती हूँ। दिल्ली से पहले ना यहाँ पे एक छोटी सी जगह पड़ती है, तो वहाँ पे क्या है, मतलब हमेशा ही जैसे सभी लोग होते हैं, सब सोचते हैं कि इतना है हमारे पास, मतलब इतना छोटा सा घर है, ये ऐसे है वैसे है। जब मैं यहाँ जाती हूँ ना तो ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार हम बहुत अच्छे हैं। लोगों को देख के लगता है ना कि दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं है यार जो हमारे पास हैं। मतलब आप, अगर आपके पास एक ठीक ठाक घर है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ इतना है, आप लोग इनको देखें ना, मतलब इतने छोटे छोटे, इनको देख के मुझे फीलिंग आ रही थी जैसे माचिस की डिबिया जैसे इतने छोटे छोटे साइज़ के घर हैं। इवन कोई कोई घर तो इतना छोटा होता है ना कि केवल उसके ऊपर पानी की बॉट, ये बिल्कुल यही पानी की टंकी एक रखी हुई है और उसके पास बस इतनी सी जगह है कि उसमें एक आध मुश्किल से पानी की टंकी और आ सके। और इतनी सी जगह में पूरी फैमिली के साथ कोई इंसान कैसे एडजस्ट करता होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट यार। और मतलब अगर आप ये सब चीज़ें सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे रह रहे हैं। खैर, बहुत ज्ञान बांट लिया। और हाँ, ज्ञान बांटने से याद आया, अगर मेरे पीछे से आपको ये डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा हूँ तो यहाँ ना एक बाबा थे जो कि बहुत 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 ज्ञान बांट रहे थे। एक्चुअली उनको लगता था वही, मतलब पॉलिटिक्स की बातें कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें लेके वो बैठ गए और दो तीन लोगों में बहुत बहस हो रही थी। खैर, मुझे इन सब ज्ञान की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हम चल देते हैं अपने गंतव्य स्थल की ओर। और जाते जाते हम लोग देखते हैं कि रास्ते में वहाँ पर मतलब फिर आती हैं यमुना जी, और यहाँ से यमुना जी की स्टार्टिंग हो चुकी है। क्योंकि यमुना जी की जो विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी यमुना जी की, इसलिए मैंने जो वीडियो है उसकी स्पीड को 2x में किया है। और देख रहे हो, मतलब यमुना जी कितनी दूर दूर तक सूखी हुई हैं, अपने यूज़ में लोगों ने इसे लिया हुआ है। यहाँ कपड़े धुले जा रहे हैं, जिसका गंदा संदा पानी जैसा भी है वो सब यमुना जी में जा रहा है, रास्ते से दिख रहा होगा। बच्चा कुछ, खैर जितना भी पानी है उसी में ये नाव दौड़ रही थी, जिसे देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा, मतलब आप भी बताना। मुझे तो अच्छा लगा कि हाँ अभी इतना है एटलीस्ट कि इसमें नाव तैर सकती है, क्योंकि पहले कभी आई थी तो इतना बेकार था कि नाव तैरना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा था कि कोई गंदा नाला है, मतलब पानी भी नीचे से ऐसे बबूले निकल रहे थे ना। और फाइनली अब मैं दिल्ली के स्टेशन पर, यानी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी हूँ। ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है जो मैं बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। और मेरे बैग की ना जिप ख़राब हो रखी थी, तो और वेट मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे एक भैया मिले, वो कहने लगे कि प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि बैग की जिप मतलब टूट गई थी, लॉक टूट गया था उसका। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया से जिप ठीक कराई, और यहाँ पे बैठ के ना वो भैया जिप ठीक ही कर रहे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। पर उन्होंने पहले बोला कि 20 रुपये लगेंगे, बाद में बोलने लगे कि 20 रुपये वाला आ ही नहीं रहा है, 40 रुपये वाला डालना पड़ेगा। और फिर मैंने भी मजबूरी थी, दे ही दिए, क्या कर सकते हैं। अब फिर मैं यहाँ से एग्जिट से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकलने के बाद मेरे पास इतना ज़्यादा सामान था, इतना ज़्यादा सामान था, कंडीशन देख रहे हो यार। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अभी बस में बैठ गई हूँ, मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए, मुझे माधीपुर जाना है तो वहाँ के लिए मैं बस में बैठ गई हूँ। और होपफुली शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हालत हो रही है मेरी, मतलब बहुत बुरी हालत हो रही है। सामान देखो, मतलब कितना सारा सामान लेके जा रही हूँ, ये इतना बड़ा और इतना भारी बैग, उसके बाद ये मेरा बैग, और इसके भी बाद ये, उसके बाद मेरा एक और बैग, मतलब सामान देख रहे हो और कितना सारा सामान है। बस जैसे भी है, मेरी अकेली जान की हालत ख़राब हो गई इतना सामान ढोते ढोते। फाइनली अभी बस में बैठ चुकी हूँ, तो होपफुली 10-15 मिनट में। और जब बस चली तो एग्ज़िट जो था वहाँ से बाहर का जो व्यू था, मतलब बस से मैंने व्यू थोड़ा सा कैप्चर किया, ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन। और जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है
उसका मेन जो फ्रंट है वो कुछ ऐसा है, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने कैमरा बंद किया और यार मैं सो गई थी, मुझे बहुत थकान हो रही थी, मेरी आँख लग गई। पता तब चला जब बिल्कुल मेरा स्टॉपेज आने वाला था। अच्छा ये रहा कि उससे पहले मैं जाग गई, अगर सोती रह जाती ना तो पता नहीं मैं कहाँ ही पहुँच जाती। और जस्ट तभी तभी ना मेरे पापा जी का कॉल आया था, जिसकी वजह से मैं जग भी गई। थैंक गॉड एकदम राइट टाइम पर पापा जी ने मुझे कॉल कर दिया, वरना पता नहीं मैं अपने स्टॉपेज पर उतरने के बजाय कहाँ ही पहुँच चुकी होती। और वज़न देखा आपने, मतलब आगे जितना वज़न ढो रही हूँ ना पीछे भी उतना ही है। फाइनली मैंने यहाँ से एक ई रिक्शा ली और ई रिक्शा में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा राहत की सांस ली कि हाँ भाई चलो मेरे कंधों को आराम मिला एटलीस्ट थोड़ा सा। तो मैंने सामान अपना रख दिया और बाहर का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा है। खैर मार्केट तो सारी एक जैसी होती है, चाहे कहीं भी चले जाओ, बाहर का व्यू क्या ही डिफरेंट होगा यार, मार्केट लगभग सभी सिमिलर होती हैं। डिफरेंस तो थोड़ा सा ना जब गलियों में अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद दिखाई देने लगता है, जैसे कि यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मुझे जाना था ये वहाँ पे अंदर जाते जा रही हूँ मैं, रास्ते का व्यू है। तो फाइनली बहुत लंबी मेहनत के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ। ये मेरा इतना सारा सामान जिसे मैं अपने इन दो कंधों पर गाँव से लेके यहाँ तक ढो के लाई हूँ। दादाजी आ रहे हैं चाबी लेके, बैठ के बात कर दिया। तो गेट खुल चुका है और मैं अंदर आ चुकी हूँ और दिखा देती हूँ, ये हमारा कमरा है। और मतलब बहुत बेकार कंडीशन पड़ी है यार, अभी तो फ़िलहाल बहुत गंदा। तो अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें ये मिरर लगा हुआ था जो कि बड़ा ही गंदा हो रहा था। कोई नहीं, साफ़ सफाई करना तो हमारा काम था, जगह तो ऐसी मिलती है, साफ़ करके कौन देता है यार। फिर यहाँ से हम साफ़ सफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं और गंदगी इतनी ज़्यादा हो रखी थी। ये किचन वाला एरिया है जहाँ पे मैंने अपने बैग वैग रखे, और यहाँ पे एक बाबा थे जिन्होंने मुझे ना ये बोतल दे दी थी पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए ना टाइमिंग का ये सीन होता है। तो मैं लेट आई थी तो तब तक पानी वानी आ नहीं रहा था पीने का, तो मुझे जो नीचे बाबा बैठते हैं उन्होंने पीने के लिए पानी दिया। बाहर का व्यू जो है यार बड़ा ही प्यारा है, कमरे से बाहर निकलते ही किचन आ जाता है, इधर की तरफ वॉशरूम है। सबसे बढ़िया जो मतलब मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है वो यही लगती है जो बाहर का ग्रीनरी एरिया भी आपको दिखा होगा। और यहाँ आने का जो मेरा मेन पर्पस था वो था अपनी छोटी वाली सिस्टर के लिए मोबाइल फ़ोन, जो कि वो बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी और जिसका ब्लॉग मैंने डाला भी हुआ है, लेकिन मेरा अभी हाल ही में यहाँ आना नहीं हो पाया तो मैं उसको दे नहीं पाई। पर जब भी अब मेरा आना हुआ है तो मैं उसको दे देती हूँ। मैंने उसको बोला कि बैग में कुछ है तेरे लिए, उसके बाद उसके रिएक्शन क्या थे वो आप लोग खुद देख लीजिए। हाउ आर यू फीलिंग? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।